हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दोनों ही एनएस, आपकी नई और ओल्ड। तो आप लोग देख लो क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो सामने से देखने में आपको लग रहा होगा कि जो हेडलाइट्स हैं उसमें आपका चेंज आ गया है। पुरानी वाले एनएस में आपका जो हैलोजन हेडलाइट्स थी वो आती थी, नई वाली एनएस में आपकी एलईडी हेडलाइट्स आ गई। साथ में स्टाइलिश से जिगजैग शेप में जो आपका लाइटनिंग का शेप होता है, तो उस शेप में आपके DRLs दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखते हैं। बाकी आगे फ्रंट से ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके अलावा मैं साइड में ले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स थे ये आपके LED आ गए हैं। पहले आपके हैलोजन इंडिकेटर्स हुआ करते थे। और साथ में यहाँ पर देख लो इसका जो मीटर है ये आपका पूरा डिजिटल दे दिया गया है। यहाँ पे जो मीटर था ये आपका एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता था। स्विचेस यहाँ पे देख लो आप ध्यान से, इसमें कैसे स्विच हैं, इसमें कैसे स्विच है। तो थोड़े से स्विचेस में भी चेंज हो गया है, क्योंकि ये बटन जैसे आपका दिया गया ना ब्लूटूथ के लिए, ये बटन दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिकेटर का बटन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये चेंजेस आपको अच्छे लगे ख़राब लगे। बाकी पावर और इंजन और बॉडी और वेट, इन सारी चीज़ों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही एनएस अभी भी सेम है, क्योंकि भाई मीटर चेंज करने से, हेडलाइट चेंज करने से इंजन चेंज नहीं हो जाता। दोनों में ही आपका 200cc का लिक्विड कूल 6 गियर ट्रांसमिशन SOSC इंजन आता है, और साथ में दोनों की ही पावर आपकी 24.5 PS की है, और दोनों में ही जो आपका टॉर्क है वो 18.7 Nm का है। तो एक बार फिर भी कर लेते हैं दोनों को कंपेरिजन, और मुझे लगता नहीं कि इस कंपेरिजन करने में कोई ऐसा डिफरेंस होने वाला है, बट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी एनएस है तो मैं चला लूँगा, और नई वाली एनएस जो भाई है लाए हैं ये चला लेंगे। बाकी मेरी बाइक थोड़ी सी रवा रखी है, ये नई बाइक है तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। और डिफरेंस क्या आया है देखो आप, एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे मेरा वेट ज़्यादा है, उसके साथ एक्सेलरेशन सेम है, तो आप समझ सकते हो। निकल चुकी है आपका आगे। बाकी टॉप इन देखते हैं, मुझे लगता नहीं है टॉप इन में ऐसा कोई डिफरेंस आएगा। पुरानी वाली एनएस और नई वाली एनएस ऑलमोस्ट सेम टॉप इन जाती हैं। पुरानी वाली को फीट करके बदला है, इंजन तो आपका सेम है। देखो इंडिकेटर आने लगा मेरे में, 151 पावर की मेरी, उसका पता नहीं लिमिटर आया नहीं आया है, उसका भी लिमिटर आया होगा, बट वही है देखो लिमिटर उसमें भी आ रहा है। जो लीड बना रखी थी उसने, वो लीड का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों में ही मुझे लगता है 152 ये भी गई आपकी। तो भाई 152 पे गई थी और फिर भी एनएस नहीं निकल पाई, तो वो अपना उसका टॉप एंड निकल गई थी एग्जैक्ट। और पूछ लेता हूँ भाई से कितनी गई। 152 सेम, बिल्कुल बगल बगल में ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस था जो हल्का सा लीड बनाई थी। चेंज कर ले रहे हैं तो कितनी बाकी कर लेते हैं राइडर चेंज। और एक्सेलरेशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया, मुझे लगता है मेरी एनएस रवा है, वेट का डिफरेंस है वही है। लेकिन एक्सेलरेशन देखे थे क्यों आया बताओ, क्या एक्सेलरेशन मेरे वेट के साथ भी ये हल्की सी आगे थी स्टार्ट में ऑलमोस्ट, क्यों आया डिफरेंस वो भी एकदम से नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका इंजन रवा हो चुका है और ये नया है, तो थोड़ा सा पुल करने में दिक्कत तो आएगी।
बाकी कर लेते हैं राइडर चेंज। और थोड़ा सा देखो बैठी, मैंने बताया ना नई पुरानी वाली एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली एनएस का एक्सेलरेशन तेज है, पुरानी वाली एनएस थोड़ी सी आपकी वो हो चुकी है, क्या बोलते हैं रवा हो चुकी है, ये नई है आपकी एनएस, तो थोड़ा सा रवा होने में डिफरेंस लगेगा। अब नहीं निकल पाएगी भाई। और देखो सेम अगल बगल चल रही है, फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने देखा होगा दोनों गाड़ियां सेम ही भागी थी, तो अब जो आगे निकल गई फिर वो निकल गई। इक्यावन 151 सेम चीज है 151, आगे नहीं निकल पाएगी क्योंकि जो लीड बना ली है ना भाई, जो लीड बना ली है वो बना ली है, उसको आगे निकलना बहुत ही मुश्किल है, जो लीड बन गई वो बन गई है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ड्रैग रेस आपको कैसी लगी, तो आपने देखा कोई ऐसा लीड नहीं थी, बहुत बारीक सा लीड था जो हल्का सा वेट के डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली अंतर आता है, तो ये देखो आपने बिल्कुल सेम इंजन है और बाकी जो डिफरेंस था वो सिर्फ वेट का था, बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ड्रैग रेस कैसी रही, दोनों ही सेम इंजन है, दोनों ही 151-152 तक जा रही है, 151 पे लिमिटर नहीं मार रही, 152 पे दोनों ही लिमिटर मार रही है, तो इंजन वाइज भाई ओके है, बाइक के इंजन में ऐसी कोई छेड़छाड़ी नहीं की बजाज ने, नॉर्मली नई गाड़ी लॉन्च करते कुछ ना कुछ कर मारते हैं भाई, जैसे भाई KTM ने सबसे ज़्यादा किया है जो पुरानी ड्यूक थी 200, नई ड्यूक में क्या किया LED हेडलाइट चेंज की बट टॉप स्पीड घटा दी उसकी, तो मुझे यहाँ पे भी डर था कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो भी आजकल नॉर्म्स अपग्रेड होते जा रहे हैं, बट यहाँ पे इंजन सेम है 152 अचीव कर रही है, तो भाई अच्छा काम किया बजाज ने। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्लोर है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइट हार्ड राइट सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।